नमस्कार दोस्तों, आज हम अंडे का स्वादिष्ट तवा मसाला बनाने वाले। आपको पसंद है ना अंडा? मुझे भी बहुत पसंद है। अगर आपको अंडा पसंद हो तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। हम आज बहुत ही टेस्टी रेसिपी देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें अंडा को बॉईल करके इस साइज़ में काट लेना है। हमें एक पैन में ऑयल डालना है। ऑयल गर्म होते ही हमें उसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर हमें उसमें मिक्स करना है और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार डाल के हमें इस तरह से उसे मिक्स करना है। ये ड्राई मसाला हल्का सा गर्म तेल में डालें। अगर तेल बहुत गर्म हो गया तो वो मसाला जल सकता है। इस तरह से हमें एक एक करके उसमें अंडा डालना है और इस तरह से हमें उसको फ्राई कर लेना है। बहुत मज़ेदार रेसिपी है। जब हम अंडा डाल देते हैं तब ऑयल को इस तरह से बुलबुले आने शुरू हो जाते हैं। हमें दोनों साइड से अंडा को फ्राई कर लेना है। इस तरह से हमें उसको फ्राई कर लेना है। ये स्टेप बहुत अच्छे फॉलो करना है आपको, क्योंकि इससे ही टेस्ट बढ़ता है। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने फ्रेंड और फैमिली को शेयर ज़रूर करें। अब हमारा अंडा अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप देख सकते हो कलर भी कितना बढ़िया आया है। अब हम एक एक करके भुना हुआ अंडे को निकाल लेंगे। इस तरह से हमें अंडे को निकाल लेना है, टूटने नहीं देना है। अब हमें इसी ऑयल में बाकी का मसाला ऐड करना है। हमें ये तेल को नहीं निकालना है, क्योंकि वेस्ट क्यों करें। इसी में हमें अंडा का मसाला बनाना है। अब हमने जीरा डाला। जीरा डालने के बाद हमें उसमें कटा हुआ लहसुन डाला है। इस तरह से हमें कटा हुआ लहसुन अदरक डाल के अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऊपर से हमें एक दो प्याज इसमें काट के डालना है। अगर चाहे तो आप प्याज एक भी ले सकते हो, दोन भी ले सकते हो। हमें ना प्याज को अच्छे से ना सॉफ्ट कर लेना है, क्योंकि हमें बहुत ही सॉफ्ट चाहिए। अच्छे से ब्राउन होने तक हमें उसको भून लेना है। जैसे जैसे प्याज सॉफ्ट होता जाएगा वैसे वैसे हमारा ऑयल छुटता जाएगा। इस तरह से उसको पूरी तरह से हमें प्याज को सॉफ्ट कर लेना है। पेस्ट बनाते हम इस तरह से उसको सॉफ्ट कर लेना है। अब हमारा प्याज अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। आप देख सकते हो कितने बुलबुले आने लगे। अब हमें एक दो प्याज को काट कर उसमें ऐड करना है और अच्छी तरह से इसको भी सॉफ्ट होने देना है। हमें इसकी अच्छे से गाढ़ी ग्रेवी बनानी है, बहुत ही सॉफ्ट करके। हमने यहाँ पे दो टमाटर लिए छोटे साइज के, और हमने छोटे साइज के ही प्याज लिए थे। अब हमें ये सब चीज़ें को अच्छे से सॉफ्ट करके भून लेना है। सॉफ्ट होते जाना जाएगा वो और तेल छुटता जाएगा। हमने इस तवा मसाले को अंडा तवा मसाले में थोड़ा सा भी एक बूंद भी हमने पानी नहीं डाला है। हमें इसमें पानी डालना ही नहीं है। इसी तरह हमें ऑयल में ही उसको सॉफ्ट बना लेना है। इस तरह से हमारे अंडा मसाला का अच्छे से तेल भी छूट चुका है। ऊपर से हमें दो चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालनी है और एक चम्मच हमें हल्दी पाउडर डालनी है, एक चम्मच हमें धनिया पाउडर डालनी है और हमें एक चम्मच गर्म मसाला पाउडर ऐड करके उसमें नमक डाल के अच्छे से भून लेना है। हमने यहाँ पे छोटे साइज के चम्मच का इस्तेमाल किया है। जो हम चाय पत्ती के लिए यूज करते हैं वो चम्मच का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। इस तरह से हमें अच्छे से उसको सॉफ्ट करके ऑयल छूटने देना है। अब हम उसमें हमने जो फ्राई किया था ना अंडा काट के, वो अंडा हमें उसमें ऐड करना है। एक एक करके प्रेस करके हमें अंडे को उसमें ऐड करना है, क्योंकि उसमें हमारा मसाला पूरी तरह का ऐड होना चाहिए, है ना। तो इस तरह से हम इसको एक एक करके ऐड करके प्रेस करके अच्छे से भून लेना है। ये तवा अंडा मसाला है ना, बच्चों को भी बहुत पसंद आता है और घर में सभी को बहुत पसंद आता है। एक बार ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आप ये मसाला ना, अंडा मसाला, टिफिन में भी दे सकते हो। देखा आपने, हमें अंडा मसाला बनाने के लिए कितना कम समय लगा और कितनी कम सामग्री में इतनी अच्छी टेस्टी रेसिपी बन गई। अब ये सब मसाला अंडे के साइड में करते जाए, क्योंकि वो अच्छे से भुना जाए और ऊपर से भी डाल दे। इस तरह से हमें उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपको इसमें पानी ऐड करना है तो आप कर सकते हो, लेकिन ये बिना पानी का ही बहुत टेस्टी लगता है। ये अब हमारा अंडा तवा मसाला तो रेडी है। हमें अब एक एक करके प्लेट में निकाल लेना है। इस तरह से हमें मसाले को, अंडे को एक एक करके प्लेट में निकाल लेना है। ये अंडा मसाला आप रोटी, फुलका, ज्वार की रोटी के साथ सर्व कर सकते हो। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते एक नई रेसिपी के साथ।